दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को समेटे इस एपीएन प्राइम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके और बलूचिस्तान के लोगों का हाल दुनिया के सामने लाने का आह्वान किया गया था। इसका असर यह हुआ है कि अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी अलग सिंधु देश की मांग जोर पकड़ने लगी है। ये हमें मुकम्मल तौर पे अपने मादरी वतन में अकलियत में तब्दील करने का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इज़ नॉट प्रोजेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ये हमारे बलोच सिंधी कौम के लिए एक जिंदगी और मौत का मसला है। पिछले 70 साल से बलूचिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खासकर के गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में बहुत बड़े पैमाने से पाकिस्तान जुल्म ढा रहा था, और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं इसका केवल फायदा जो है वो पाकिस्तान को और चाइना को है, और पाकिस्तान का मतलब है कि पंजाब प्रोविंस को। भारत और पाकिस्तान लगभग जुड़वे भाई कहे जा सकते हैं। पाकिस्तान एक दिन बड़ा है क्योंकि 14 अगस्त को उसे आजादी मिली थी, 15 अगस्त को भारत को। लेकिन पाकिस्तान के दो टुकड़े इस बीच हो चुके हैं। पूर्वी पाकिस्तान बन चुका है बांग्लादेश, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान ही रहा है पाकिस्तान। अब खैर मनाए पाकिस्तान की और टुकड़े उसके ना हो, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंधु प्रदेश न जाने किन किन बाकी खंडों में, लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को भी एक था, आज भी एक है और इंशाल्लाह हमेशा एक रहेगा। खास खबरों पर ऐसे ही सार्थक नजरिए के लिए जरूर देखिए एपीएन प्राइम कुमार राजेश के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे।